Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। अभी सुबह के तकरीबन 10:30 का टाइम है और मैं अपनी फैमिली के साथ आ जाई हूँ सिटी सेंटर। मुझे यहाँ से कुछ ईद की और कुछ समर शॉपिंग करनी थी, तो सबसे पहले हम गए थे खाड़ी शॉप, लेकिन वो क्लोज थी। हालांकि 10:30 असूलन इनको शॉप ओपन कर देनी चाहिए, बुलिंग में थे, इसके बावजूद भी उनकी शॉप क्लोज थी। उसके बाद हम आए थे आगा नूर। ये शॉप यहाँ पर नई कुछ वीक्स पहले ही ओपन हुई है। पहले भी एक बार मैं विज़िट कर चुकी हूँ और अभी ये मेरा सेकंड चक्कर था यहाँ पर, लेकिन मेरी बेटियों को यहाँ से कुछ भी पसंद नहीं आया है, क्योंकि इनके जितने भी आउटफिट्स होते हैं वो कैजुअल वेयर नहीं होते। और मुझे लगता है कि आगा नूर के यहाँ इस ब्रांच के अंदर जितने भी कपड़े थे वो सारे ख़वातीन के लिए थे, यानी कि टीनएजर्स के, वहाँ पर कोई भी डिज़ाइंस नहीं हैं। और प्राइसेस भी इनकी ऑनलाइन से भी डबल या ट्रिपल थी। हालाँकि इन्होंने लिख कर लगाया था कि सेल है, ओपनिंग सेल्स वगैरह यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा। और वहाँ से कुछ ना पसंद आया तो हम आ गए थे जो सामान हमें ज़रूरी चाहिए था वो लेने के लिए, मार्क्स एंड स्पेंसर। मार्क्स एंड स्पेंसर की ज्वेलरी बहुत अच्छी होती है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। अगर हम इनकी ज्वेलरी पहनकर परफ्यूम्स वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं तो इनके कलर्स इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। थोड़ी सी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। और मेरी बेटियों ने ईद की ज्वेलरी वगैरह यहीं से ही ली है। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि हमने ईद के लिए क्या क्या लिया है। समर स्टार्ट होते ही जो मेरी सबसे पहली शॉपिंग होती है वो है मेरी फैमिली के लिए अंडरगारमेंट्स बाय करना। और इस बार मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, क्योंकि मैंने कर लिए थे सबसे पहले पाकिस्तान से कपड़े ऑर्डर, और ईद पास थी इसलिए मैंने सोचा कि गर्मी के कपड़े पहले से ऑर्डर कर लेती हूँ ताकि वो ईद तक पार्सल आ जाए, उसके बाद दूसरी शॉपिंग करूँगी। और मैं हर चीज़ को बजट को मद्देनज़र रखते हुए ही बाय करती हूँ, तो मेरे वो पार्सल्स पहले आ गए थे और इस मंथ मैंने सोचा है कि ये शॉपिंग कर लूँगी। क्योंकि अगर हम कहें कि यहाँ इन कंट्रीज़ में रह कर हम ये भी बाय कर सकते हैं, मंथ में वो भी बाय कर सकते हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। मैं हमेशा मंथली बजट को मद्देनज़र रखते हुए ही शॉपिंग करती हूँ। तो आज हम यहाँ पर आए हैं, कुछ प्राइवेसी रीज़न की वजह से यहाँ पर मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। और आप सभी जानते हैं कि आपको ज़्यादातर हमारे जो माओ बहनों के चैनल्स हैं इन पर ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, तो अपनी सिस्टर्स के साथ सिर्फ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर यहाँ पर करूँगी कि मैंने बहुत सारी शॉप्स पर, जैसे कि एंस्टा मॉरिसन्स वगैरह या जहाँ से थोड़ी सी लेस प्राइस में अंडर गारमेंट्स मिलते हैं, मैंने वहाँ से भी ट्राई किए हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती नेक्स्ट की। और उसके अलावा न्यू लुक, टीके मैक्स और मार्क्स एंड स्पेंसर, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और मैं ज़्यादातर मार्क्स एंड स्पेंसर से ही अंडर गारमेंट्स लेती हूँ। तो यहाँ से हमने शॉपिंग कर ली थी और जो शॉपिंग मैंने की है वो उसमें से जो मुझे लगा यूट्यूब पर दिखाने वाला है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। मार्क्स एंड स्पेंसर के डाउन स्टेज MNS यानी कि मार्क्स एंड स्पेंसर द फूड हॉल भी है। और फिर जब हमने यहाँ से शॉपिंग फिनिश की, हम चले गए थे डाउन स्टेज, वहाँ से कप ऑफ कॉफ़ी लिया, फैमिली के साथ बैठे, इंजॉय किया और बहुत ही अच्छा लगा आज बच्चों के साथ बैठ कर ये टाइम स्पेंड करना। और फिर उसके बाद दोबारा हम अपस्टेज आए थे, यहाँ पर मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई थी, उनको कुछ चाहिए था अपने बेटे के लिए स्कूल यूनिफॉर्म से, तो मैंने वहाँ से वो लिया। और फिर अभी हम जा रहे हैं प्राइम मार्क की तरफ, क्योंकि वहाँ जाना है मुझे समर क्लोथ्स के साथ मैच करके घर में पहनने वाले शूज़ लेने के लिए। I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old.
अभी हम आ गए थे प्राइमार्क, और जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया है कि मुझे यहाँ से समर क्लोथ्स के साथ मैच करके शूज़ लेने थे, तो हमने सिर्फ यहाँ से शूज़ ही लिए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड अंदर नहीं आए थे। स्टोर बहुत क्राउडेड होता है हर बार, और मेरे हस्बैंड अंदर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। उन्हें कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड में जाना उनको अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर हम आए थे, हमने जल्दी जल्दी से कपड़ों के कलर्स मैच किए, कपड़ों के साथ शूज़ के कलर मैच किए, और हमने शूज़ ले लिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही गुड प्राइस में शूज़ होते हैं। और अगर बच्चों ने एक दो बार पहने हैं और उसके बाद उन्होंने पहने नहीं, तो बेहतर है कि प्राइमार्क से ही ले लिए जाए। प्राइमार्क की प्राइसेस जिस तरह से लो होती हैं, इसी तरह से क्वालिटी भी इनकी लो है। वो इतने दिन तक पहन नहीं सकते हैं हम, और जब मेरे बच्चे छोटे थे तो एक दो बार मैंने इनके शूज़ पहने और पहनकर स्कूल ड्रॉप करने के लिए गई, लेकिन जब मैं वापस आ रही थी तो एक शू को हाथ में पकड़ के मुझे आना पड़ा क्योंकि इनके शूज़ बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो पैटिंग्स वगैरह यहाँ से देख रही थी, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, और बस यहाँ से थोड़ा बहुत देखा सामान और फिर हम चले गए थे बाहर क्योंकि अभी हमें जाना था खाड़ी। अभी हम आ चुके थे खाड़ी, और यहाँ पर जो स्टफ़ मैंने देखा, जिस तरह लास्ट टाइम मैं आई थी, बिल्कुल वैसे ही डिसअपॉइंटेड हुई। मेरी बेटियों ने जो सामान देखा था, जो कुर्ते उनको चाहिए थे ऑनलाइन, वो बहुत ही प्यारे थे और उनकी प्राइसेस भी बहुत अच्छी थी, लेकिन खाड़ी स्टोर में आप जब भी जाते हैं तो हमेशा आपको वही पुराने स्टाइल ही देखने को मिलेंगे। इनके पास पता नहीं क्यों इस ब्रांच के अंदर कुछ भी आपको नया नहीं मिलेगा। तो जब मैं यहाँ पर गई थी तो अंदर जाते साथ ही इनकी दो लड़कियाँ आगे आ गई और बार बार इतना अनकम्फर्टेबल कर रही थी, आप ये ले लें, बहुत सूट करेगा, ये बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर सेल लगी है और ये ऑफर्स पर हैं। तो इस तरह की जब शॉप्स पर हम जाते हैं, अपने कोई भी होते हैं पाकिस्तानी या एशियन शॉप्स पर, तो जैसे ही शॉप में हम अंदर एंटर होते हैं तो बहुत सारे इनके जो अंदर काम करने वाले इन्होंने नए नए लोग रखे होते हैं, जैसे कि बच्चियाँ होती हैं, स्कूल की बच्चियाँ होती हैं, जो इन दिनों स्पेशली कुछ वर्क एक्सपीरियंस के लिए भी बच्चियाँ होती हैं, उनको इतना पता नहीं होता, उनको सिर्फ ये कहा जाता है कि आपने अंदर आने वाले कस्टमर को बस घेर लेना है। तो आप यकीन मानिए, मुझे ऐसी शॉप पर जाते इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगता है। तो जैसे ही हम गए, मेरी बेटियों ने फ़ौरन से कहना शुरू कर दिया कि हमें बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, यहाँ से जल्दी से बाहर चलें, क्योंकि हमने अपनी मर्ज़ी से लेना है और ये सिर्फ अपनी मर्ज़ी का हमें थोप रहे हैं, जैसा कि बार बार कहे जा रहे हैं कि ये आप पे सूट करेगा, आप यहाँ पर आइए, वो आप पे सूट करेगा। तो आप यकीन मानिए, ऐसी शॉप्स पर जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में ये मेरा आखिरी विज़िट होगा इस शॉप में, मैं नेक्स्ट टाइम कभी नहीं जाने वाली। अगर मुझे खाड़ी से कुछ अच्छा लगेगा तो मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर किया करूँगी। तो यहाँ पर ये जो स्कार्फ्स वगैरह हैं, आप यकीन मानिए, ये 50% ऑफ इन्होंने लिख कर लगाया था, लेकिन इस पर कुछ भी ऑफ वगैरह नहीं था। आप अगर विज़िट करेंगे तो आपको प्राइसेस देखकर अंदाज़ा होगा कि इनकी प्राइसेस यहाँ पर सेम हैं, वही प्राइसेस आपको ऑनलाइन भी दिखाई देंगी। तो मैं ज़्यादातर पाकिस्तान की खाड़ी वेबसाइट से ऑर्डर करती हूँ चीज़ें, और बहुत ही अच्छे से यहाँ घर पर वो डिलीवर हो जाती हैं चीज़ें। और अभी भी मैंने अपनी बेटियों के लिए खाड़ी कुर्ते ऑनलाइन ही ऑर्डर किए हैं, इंशाल्लाह मैं अपने किसी व्लॉग में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ यूके में बुलरिंग में जो खाड़ी शॉप है, इसका एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया है कि यहाँ पर जाकर आप लोग पैसे ना ही वेस्ट करें, क्योंकि इनके पास जितने भी डिज़ाइंस हैं वो सभी पुराने हैं। तकरीबन 2 साल पहले जो डिज़ाइंस मैंने देखे थे, स्टिल अभी तक वही हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें जिनको अपने एशियन क्लोथ्स के बारे में नहीं पता है कि कौन सा नया डिज़ाइन है और कौन सा पुराना, सिर्फ खाड़ी ब्रांड का नाम देखकर वो बहनें वहाँ से बेशुमार सामान जो कि पुराने डिज़ाइंस होते हैं वो ले लेती हैं, और जो अंदर लड़कियाँ उन्होंने रखी हैं वो भी बहुत चालाकी से उनको ट्रैप करती हैं, और वो लड़कियाँ यही कही जाती हैं कि ये कलर आप पर सूट करेगा, ये डिज़ाइन नया है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है, प्लीज़ कुछ भी खरीदें तो उसे पहले सर्च ज़रूर कीजिए, और स्पेशली जब ऐसी शॉप्स होती हैं इनके बारे में ज़रूर सर्च कर लिया करें। अभी हम आ गए थे घर, और ये जो आपको पानी के ज़्यादा सारे ग्लास यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये है मेरी बेटी का वाटर स्टेशन, क्योंकि उनको अभी नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए यहाँ पर बैठना है अपनी जॉब के सिलसिले में। वो यहीं से वर्क फ्रॉम होम करेंगी और साथ उन्होंने पानी भर कर रख लिया है, वो 2 आवर्स में ये सारा पानी माशाल्लाह से पी लेंगी, क्योंकि वो पानी ज़्यादा पीती हैं गर्मी के दिनों में। और यहाँ पर देखिए, आज हमने भी अपना फ़ैन निकाल लिया है क्योंकि गर्मी हो चुकी है यूके में, और इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो हमारी बेडरूम है इसमें सुबह से लेकर शाम
शाम तक धूप रहती है तो रात के वक्त थोड़ी सी गर्मी होने लगती है, तो इसलिए आज हमने ये तकरीबन सारे ही फ़ैन ओपन किए और ओपन करने के बाद उनको थोड़ा सा जोड़ जाड़ के साफ़ सूफ करके हमने सभी रूम में सेट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी और यहाँ जब मैंने ऑन किया तो मुझे उठने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि फ़ैन की हवा के आगे बैठ जाएँ तो सभी जानते हैं कि उठने को दिल नहीं करता है। तो फिर यहीं पर बैठ कर मैंने वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर ली और मैंने सोचा थोड़ा सा आज फ़ैन के सामने बैठ कर टाइम स्पेंड किया जाए। इसके बाद रात के खाने के लिए बच्चों को इतनी गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि दिन को हम बाहर से खाना ले आए थे, बर्गर्स वगैरह बच्चों ने खाया था, तो शाम को बोला कि कुछ हल्का फुल्का खाना है। तो ये मैंने एक टिकटॉक से रेसिपी देखी थी तो ये मैंने बनाई और बच्चों ने बहुत पसंद की, बल्कि मेरे हस्बैंड ने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद की थी। अगर आप लोगों को फुल रेसिपी चाहिए हुई तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं किसी ब्लॉग में आपसे शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर हमारे ये चटपटे से और हेल्दी से रैप रेडी हो चुके थे, अभी हम खाएँगे रात का खाना। और इसके साथ मैंने मैंगो मिल्क शेक बना लिया था। और आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप सब लोग अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। I think it's hard how we always wait another day.